नजर आ जाएंगे। ये तो आज नतीजों से पहले आप यहाँ पर एक मूव ऑलरेडी आते हुए देख चुके हैं, 3% ऊपर ये काउंटर आपको तेजी में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, और ये वीरेन जी की लिस्ट में है उन स्टॉक्स पर जहाँ पर आपने काफ़ी पिटाई होती हुई देखी और एक बढ़िया स्विंग ट्रेड बनता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पर जोड़ते हैं मानस जायसवाल साहब को। मानस जी, टाइटन से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं आज, बताइए आपके रडार पर और आपकी पसंदीदा काउंटर कौन सा है आज? गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग वीरेन जी। देखिए, जो आज के लिए कन्वेंशन ट्रेड है वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में हमने काफी, मेरे ख्याल से पिछले करीब 3-4 हफ्ते से कंसोलिडेशन देखा, लेकिन फाइनली कल 51 रुपीज के ऊपर का एक बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट देखा। मेरा समझना है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में जिस तरह के वॉल्यूम देखने को मिले हैं, जिस तरह का प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिला है, इसके बाद कम से कम 57 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। इसलिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में खरीदारी करने की राय रहेगी। 51 रुपए का स्टॉप लॉस रखें और 57 रुपीज के टारगेट सेट करें। और डिस्क्लोजर यहाँ पर यह है कि किसी इस स्टॉक में पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट ये कॉल जो है वो अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड की हुई है, तो उनके पास पोजीशन हो सकती है। ओके, ये सेंडर डिस्क्लोजर आपके स्क्रीन पर अगर आप देखें तो ये जो मत है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को बाय करने का कल काफी स्ट्रॉन्ग था, और ये पोजीशंस मानस जी के क्लाइंट्स के पास हो सकती हैं। मैं एक काम करता हूँ, इस एक कुछ सपोर्टिव डेटा देता हूँ आपके पीछे पीछे, आप ये भी देख लीजिएगा कि बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स पर रोल ओवर्स की फिगर्स क्या है। बेस्ट है केन, बेस्ट है बैंक ऑफ बड़ौदा, थर्ड बेस्ट है CUB। ये आपके स्क्रीन पे एक रोल ओवर्स की लिस्ट आएगी मानस के बैंकिंग के तर्क के पीछे, अगर आप देखें तो यहाँ पर कुछ बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स के रोल ओवर्स के डेटा।